कॉल हम फिर से देखने जा रहे हैं नॉट यू टाइप की एक और वीडियो। गाइस फिर अब स्टार्ट करते हैं वैसे यो वाचो गाइस के साथ वीडियो बैक टू यार नॉट अ लाइव वीडियो। कोरोना मित्रों खतरनाक है, अब हमारा क्या होगा? बाप रे बाप, ओए वॉल्यूम बढ़ाओ और बस मित्रों बाप रे बाप कोरोना खतरनाक है, मुझे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पच पच ये कोरोना कोरोना फाइटर मित्रों कोरोना खतरनाक है तो बर्तन धोको मित्रों। ये कोरोना कोरोना फाइटर मित्रों कोरोना खतरनाक है इसलिए लाइट काट दो मित्रों। मुझे यही करना चाहिए। यह कोरोना कोरोना फाइटर यह जनहित में जारी, मैं हूँ डिवाइन, माँ को कोरोना से बचाना है। हाँ तो एक साल पहले तक हम सबका कुछ ऐसे ही हाल था, हम सब 10-10 मास्क पहन के घर के किसी कोने में छुपे बैठे थे, हम लोग सेंसिटाइजर से नहा रहे थे और बच्चे मंत्र पढ़ के कोरोना के केसेस बढ़वा रहे थे ताकि उनकी एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। देखो ये चीज बहुत ही गलत है, ये अभी रोको। वैसे इधर आना, एक बात बताओ, ये कॉलेज वॉलेज की एग्जाम भी कैंसिल करवाते हो क्या? नहीं मैं तो बस ऐसी रेट पूछ रहा था यू नो। वैसे तुम लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि भाई कोरोना तो एक साल पहले का टॉपिक है, तू अभी क्यों वीडियो बना रहा है? तो कोरोना अभी कहीं गया नहीं है और तुम भी कोई फ्यूचर से नहीं हो। नहीं हो ना? हूँ ना ब्रो, हूँ ना ब्रो, मैं भी। हाँ यार ब्रो, इट्स 2050 यार, कैलेंडर देखना है। ये तो बबुल भैया की दुकान पे 7 रुपए में मिल जाते हैं, चूतिया किसी और को बनाना ठीक है, पड़े यार 2050 है? ये क्या है? तुम लोग सच बोल रहे थे? हाँ ब्रो, कितनी बार बोले तेरे को, तू अभी भी ये यूट्यूब और चूतिया पे में लगा हुआ है, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। मतलब कोरोना भी गया? हाँ ब्रो, हम लोग ने वाला प्लेनेट ही छोड़ दिया। वेट, क्या? हाँ ब्रो, अब हम लोग ये नए अर्थ पे रहते हैं। नया अर्थ? तो मुझे यहाँ पे कौन लेके आया? हम लोग लेके आए ब्रो तुझे। वो क्यों? तुझे हम तेरे नुनू काटने के लिए लेके आए, पकड़ ले उसको जल्दी से। नहीं, बचाओ मुझे, नहीं नहीं मेरा नुनू मत काटो, नहीं। ओ शिट, सपना था, इसको कैसे पता हम इसका नुनू काटने आ रहे हैं? पता नहीं यार, शायद बबूल भैया की टाइम मशीन से पता कर लिया हो। इस समय किसका मैसेज आ रहा है यार? आप और आपका परिवार खुशियां फैलाए, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, इस कोरोना से हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा, इसलिए जय माता दी, लेट्स रॉक, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, एक्सक्लूसिव मैसेज फ्रॉम शर्मा एंड परिवार। हाँ, पर मैं तो बहनचोद किसी शर्मा एंड परिवार को जानता ही नहीं। ओ अच्छा, हाँ तो मैं बता रहा था कि अरे फिर से कौन मैसेज कर रहा है? आप हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए कोरोना में अपने घर पे रहे और ब्ला 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 ब्ला। अरे ये लोग मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं सबके साथ? कहीं मैं तो रीजन नहीं हूँ ये सब चीजों का, या मेरे घर में रहने से शायद सच में कोरोना खत्म हो जाए। अब से मैं घर में ही रहूंगा। ये ले जाके सब्जी लेके आ जाइए, आलू टमाटर प्याज गिरकी लौकी। वो होल्ड ऑन फॉर अ सेक, यो होमी यो मामा क्रेजी, डोंट गो क्रेजी ब्रो। देख तू मेरे से सीधे मुंह बात कर, अगर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा सॉरी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे दो चीज बोलनी है वैसे, पहली ये कि दुनिया भर की सब्जी आज ही बुलवा लोगी क्या, और दूसरी ये मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों, तू कुछ काम कर रहा है? मैं बहुत जरूरी कुछ नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, तू जा रहा है या नहीं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस संसार को मेरी जरूरत है, मुझे घर पे ही रहने दो। क्या बोला? संसार को तेरी जरूरत है? अबे तेरे से कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते बनता है? तुम हर चीज में कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों बीच में भरती हो? उस दिन मेरे चेकअप के टाइम पे मेरे खून में कमी आ गई थी तो तुम डॉक्टर को भी यही बोलने लग गए थे। डॉक्टर, मैं तो कह रही हूँ ये सब इसको कॉलेज का फॉर्म नहीं भरते आने की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बहुत सीरियस बीमारी है जिससे इसका खून बहुत कम होते जा रहा है और ये कभी भी मर भी सकता है, तो इसको लेके जाओ। देखा, बोला था ना वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। यस, वेट, वैसे वो मरने वाली बात क्या थी? मगर तुम देखो यार, क्या चूतिया वायरस है, कोरोना साले ने घर पे बिठा के रखा है, जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं वापस से आ जाता है, पूरे वर्ल्ड को साथ में हाइड एंड सीक खिला रहा है। वो गया 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 गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वापिस आके भागो 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 जल्दी भागो। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, सब लोग यहीं छुपे रहो, उसके जाने तक हमें यहीं छुपना है। यस, वापस चले गया, बाहर आ जाओ वापस सारे, ये भागो, फिर से आ रहा है, बचाओ बचाओ।
बचाओ, मैं गिर गया हूँ यहाँ पे। अब बच के तुम कहीं नहीं जा सकते। कोई मेरी हेल्प करो, बचाओ। नहीं नहीं, मत मारो मुझे प्लीज, नहीं कोरोना नहीं। असर मैं बस इतना कह रहा था आपको, पेंडेमिक के टाइम पे बाहर नहीं आना चाहिए, ये सेफ नहीं है। बस खैर आखिर में मैं कितने जोक्स मान लूं कोरोना पर, अगर वो चीज किसी को हो गई है तो उसके लिए खतरनाक तो है। हाँ बस 2 हफ्तों के लिए वो बात अलग है। खैर पहले से ज्यादा अब बचना पड़ रहा है यार। नहीं कोरोना बढ़ गया इसलिए नहीं, अब वो चूतिया से वैक्सीन अलग आ गई है। मैंने सुना बुढ़े लोग मर रहे हो वो वैक्सीन लेने से। नहीं भाई, तुम वैक्सीन में क्या कोरोना डाल के इंजेक्ट कर रहे हो? देखो एक बार को अगर तुम्हें कोरोना हो जाए तुम 2 हफ्तों में ठीक भी हो सकते हो, मगर तुम्हें तो पता ही है। वैसे कोरोना के पास नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही नहीं है यार, 12th के एग्जाम कैंसिल होने में। और क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चूती ये तो पता कोरोना क्यों नहीं जा रहा है जो टाइटल में लिखा है। तो मेरी बात सुनो, टाइटल बस व्यूज के लिए था, और मैं शायद थंबनेल में भी थोड़ी छेड़छाड़ करूं। सुना है आरजी बकेट के नाम से लोग बहुत व्यूज ले रहे हैं। तो ये वीडियो बस एक जोक थी मेरी लाइफ की तरह, और अगर तुमको मेरी लाइफ आई मीन ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। कमेंट करके बताओ तुम्हारा ओपिनियन की 12th के एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए या नहीं। खैर उस चीज से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो मेरी रीच से मतलब है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कमेंट कर ही देना। यही पूछना है कि मेरे घर का गीजर ऑन है कि ऑफ है, ठीक है? इसलिए कर देना। और इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो और उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाओ, और मौका पाओ मुझसे एक प्यार सा शाउट आउट लेने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू रेज YT, एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। गाइस तब तक रिटर्न हो गया, एंड आई विल बी गुड बाय। सब्सक्राइब।